गुड इवनिंग। सो वी आर बैक फ्रॉम मॉम्स प्लेस। हम लोग दोपहर को पहुंच गए, 1:30 या 2 बजे के आसपास पहुंच गए घर पे। खाना वाना खा के आराम से सो गए, रेस्ट किया। एंड मैं जब अंधेरी उतरी थी ना परसों, तब मैंने ये न्यू वाले स्लीपर्स खरीदे, क्योंकि जो मैं रेगुलर पहनती थी ना वो थोड़ा लूज हो गया था। तो निशु बोले तो अंधेरी उतरते ही ले लेना एक्स्ट्रा, क्योंकि मम्मी के पास जाएगी और गलती से वहां टूट गया तो देन व्हाट विल यू डू। सो वहीं पे मैंने एक्स्ट्रा पेयर खरीदा, 250 बोला था बट 200 में दे दिया। ब्यूटीफुल, इसमें मुझे ब्लैक कलर चाहिए था बट ब्लैक अवेलेबल नहीं था। आई टुक दिस व्हाइट कलर का एंड नाउ सानू इज ऑलरेडी गॉन टू गार्डन। मैं उसको ऑलरेडी छोड़ के आई हूँ और अभी 6:15 बज रहा है, मैं गार्डन जा रही हूँ। मैंने कुकर में ना आलू बॉईल करके रख दिया है। सो आई एम थिंकिंग या तो मैं आलू पराठा बनाऊंगी, या तो मैं आलू रोटी बनाऊंगी, या तो मैं बटाटा वड़ा बनाऊंगी। तो लेट्स सी, अभी तक मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है। आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाट टू मेक। फिलहाल तो ये 3 प्लान के हिसाब से ही चलना है। पहले गार्डन जाऊंगी, थोड़ा रेशमा को मिलूंगी, बैठूंगी, उसके बाद सानू को लेके मार्केट, मतलब यहीं पे नीचे के शॉप्स में जाके सामान लेके, क्योंकि मुझे कोथमीर और हरी मिर्ची भी लेना है और भाजी भी लेना है, तो वो लेके फिर मैं ऊपर जाऊंगी। तो फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक वड़ा पाव। तो मैंने आलू जो बॉईल करके रखा था उसको पील करके कट करके रख दिया ताकि उसका मॉइस्चर थोड़ा अच्छे से सूख जाए। खूब सारा मैं हरा धनिया लेकर आई, मैं और रेशमा जाके कड़ी पत्ता लाई, मिर्ची लाई, तो इसको क्लीन करूंगी और इसका पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट सिंपल वे में, जैसे बटाटा वड़ा बनता है वैसे, कुछ स्पेशल नहीं। बट इट हैज बीन वेरी वेरी लॉन्ग, आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, आई थिंक जब से हम लोग ये घर में है, मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऐसे स्पेशली बटाटा वड़ा बनाया होगा कि नहीं। तो बटाटे की जो भाजी रह जाती है उसका कभी शायद हम लोग ने बटाटा वड़ा बनाया होगा, बट दिस वे आई डोंट रिमेम्बर मैंने ऐसा बोलते ना स्टार्ट से प्रोसेस कभी बटाटे वड़े का किया होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम मेकिंग प्रॉपर बटाटा वड़ा, और दीप्ति भी जब पहली बार मेरे हाथ का बटाटा वड़ा खाने वाली है। तो लेट्स सी, हम लोग मेक इट द सेम वे जैसे बनाते, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल के, राई कड़ी पत्ता का तड़का, हल्दी, हींग डाल के, सेम वे मैं मोड़ मेरी मेक, नथिंग ऐसा कुछ स्पेशल है, लेकिन बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए भाजी भी एकदम प्रॉपर रेडी हो गया और एकदम जैसे बाहर मिलता है ना वैसे ही खुशबू आ रहा है, और बैटर इज ऑल्सो ऑल सेट। एंड मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ बटाटा वड़ा बना भी दिया है। एंड दीप्ति इज गोइंग टू हैव बटाटा वड़ा यहाँ पे फर्स्ट टाइम, है ना? हाँ। तो आम्हाला मिस केलंस? आम्ही पण तुला खूप मिस केलं। मग 2 दिवस कसे गेले तुझे? ओके होते, हा सानू का बडबड नाही, मी नाही शांत, ऍक्च्युली असंच असं कोण नसतं ना घरी, तर खूप बोर होतं। आणि आपण नेक्स्ट टाइम जाऊया जू बीचला, हरे कृष्णा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर आणि दादाच्या आउटलेटला, कारण आपण एकत्र कधी नाही गेलोय ना, इंडिव्हिज्युअल इंडिव्हिज्युअल गेलोय, आता एकत्र जाऊया, काय बोलतेस? अँड आर यू रेडी टू इट द बटाटा वडा? चालेल, चला। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। और 3 फ्लावर आ गया, देखिए कितना सुंदर आता है, तो एक साथ बहुत सारे आते हैं, नहीं तो कितने कितने दिनों तक बिल्कुल भी नहीं रहते। अभी भी आई थिंक 3-4 और कल ही रेडी हो गया, जो कल या तो परसों तक एक साथ 4 से 5 होने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज के बाद ब्यूटीफुल कलर्स। अभी मैं जा रही हूँ पापा के पास रखने के लिए, एंड मम्मा इज डूइंग पूजा। मैंने सुबह ही चपाती बना दिया और फिश को लाके क्लीन करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया, फ्रेश हो गई, सानू को फ्रेश करा दिया। सो लेट्स गो। और बहुत टाइम से बहुत सारे जन मुझसे ना फिश करी का रेसिपी जानना चाहते, जो लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था वैसा। सो आई देखती हूँ, अगर मैं बाहर जाके कोशिश कर सकूँ तो आई शेयर द रेसिपी, या तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या मैं बना रही हूँ। बट आई ट्राई कि मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँ, तो आप लोग भी एक बार हम लोग के स्टाइल का बना के ट्राई कीजिए कैसा लगता है। तो सबसे पहले पेस्ट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, जितना मुझे ग्रेवी बनाना है उस हिसाब से फ्रेश कोकोनट लिया है, अदरक है, 2 हरी मिर्ची, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करना क्योंकि मिर्ची पाउडर ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड, लहसुन है और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करके इन सबको ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना के ले लूँगी। सो यहाँ पे मैंने तेल ऐड कर दिया है 4 to 5 टेबल स्पून। ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद आपको गैस को बंद करना है, बिकॉज अभी हम लोग को इसमें ऐड करना है कलर वाला और तीखा वाला मिर्ची पाउडर। सो दिस आई एम गोइंग टू ऐड 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे कलर चाहिए, और ये भी 2 टेबल स्पून क्योंकि मुझे तीखा चाहिए। जैसे आप इसको ऐड कर दोगे तो इसमें से ये देखिए मिर्ची पाउडर का ना अरोमा स्टार्ट हो जाएगा आने। इसे मैंने गैस बंद कर दिया ताकि ये जल ना जाए, और इसमें मैंने कलर वाला 3 चम्मच डाला है, विच इज़ द एवरेस्ट का कलर वाला। उसके बाद अभी मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर दूंगी। अभी इसे अच्छे, गैस को ऑन कर दिया है, अभी इसे ना अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला और ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है ना ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। 1 मिनट आप इसको अच्छे से ऐसा मिक्स करके फिर इसमें पानी ऐड कर दीजिए, जितना आपको ग्रेवी बनाना है उतना। मसाला मैंने 1 मिनट अच्छे से मिक्स करके लिया, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है।
एंड उसमें पानी ऐड करना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। देखिए जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। बस अब इसको मिक्स करना है और इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देना है। देखिए इसमें हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हमको ऐड करना है नामगुड़ो ऐड द टमाटो एंड पटेटो। इसको मैंने छिलके के साथ ही ऐड करने वाली हूँ, वो अच्छे से कट करके वॉश करके लिया। अभी इसको ऐड कर लेंगे। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है और ऊपर मैंने पानी ऐड कर दिया। अभी इसको आराम से 8 से 10 मिनट हमें कुक करने रखना है क्योंकि आलू को कुक होने के लिए टाइम लगता है। सो 10 मिनट्स हो गया। अभी मैं इसमें एक ग्रीन वाला बैंगन है ना वो ऐड करूँ, सिर्फ एक ही लिया मैंने। थोड़ा सा कोकम जस्ट फॉर दैट टेस्ट, क्योंकि एक कैरी भी है विच इज़ वेरी खट्टा एंड मैंने टमाटो भी डाला है, तो ये अभी हम लोग ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और ड्रमस्टिक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखा है जो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो ये सब मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी विल ऐड द फिश। सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और वापस कवर करेंगे, ऊपर पानी रखेंगे और इसको लगभग मुझे 15 से 20 मिनट अभी अच्छे से कुक करके लेना पड़ेगा क्योंकि आलू है, बैंगन है, कैरी है, फिश है, तो ये सब अभी चीज़ें ज़्यादा है ना, तो इट विल टेक टाइम। अगर आपने चीज़ें कम डाली होगी तो 10 से 12 मिनट्स में आपका रसा रेडी हो जाएगा। इट्स लुकिंग सो यम्मी एकदम। देखिए कलर कितना सुंदर आया है, तो रेडी होने के बाद तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बांगड़ा फ्राई हो गया रेडी, दूसरा कुक हो रहा है एंड इवन द प्रॉन्स मसाला इज रेडी। बस 2 मिनट और उसके बाद मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से पूरा सूख गया है और तेल छूट रहा है। दिस इज़ रेडी, जस्ट इन नेक्स्ट 1-2 मिनट आई विल ऑफ द गैस। गैस बंद कर दिया। देखिए इसका मसाला बहुत अच्छे से सूख गया है और ये जो प्रॉन्स का मसाला है ना ये वाला, इसको आप राइस के साथ खाइए, इतना टेस्टी लगता है ना। कांदा लीजिए, कच्चा कांदा, राइस लीजिए और उसके साथ मिक्स करके इसको खाइए। यू जस्ट गोइंग टू लव इट एंड द यम्मी ग्रेवी इज रेडी। सब चीज़ इसमें अच्छे से कुक हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा है और खट्टा और तीखा और नमक भी एकदम प्रॉपर है। मैंने अभी इसमें ड्रमस्टिक ऐड करके 5 मिनट कुक करने के बाद गैस को बंद कर दिया। नाउ लेट्स सर्व गर्मा गर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नेक्स्ट डे एंड आई एम रेडी, फ्रेश हो गई हूँ मैं। और मैंने आपको बोला था ना और फ्लावर्स आने वाले थे, देखिए यहाँ पर एक कली आ गया और यहाँ पर आ चुका है ब्यूटीफुल सा एक और। सभी मैं इसको प्लग करती हूँ और लेके जाती हूँ। कड़ी पत्ता भी देखिए कितना मस्त हो गया है। एक्चुअली पहले मैंने जब हम लोग न्यूली इस घर में शिफ्ट हुए थे तो बहुत सारे लगाए थे, पर धीरे धीरे सब कम होते गए और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहा कि मैं हर किसी को मैनेज कर पाऊँ, इसलिए अभी बस ये इतने 3 से 4 ही बच गए। एनीवेज नो प्रॉब्लम। और हम लोग के सोसाइटी में पता नहीं नीचे ये कंस्ट्रक्शन का दिख नहीं रहा यहाँ से ठीक से, वो गैस का पाइपलाइन का काम चालू है, तो अभी वो विंग का हो गया, अभी ये साइड का ये विंग का चालू है ना, तो रोज़ वो सुबह 8 बजे से ड्रिल का आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है शाम के 6 बजे तक ऑलमोस्ट। अभी ड्रिलिंग का काम हो गया, थोड़ा सा ही बचा, आई थिंक आज का लास्ट डे है, फिर हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट पाइप गैस पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्शन तो घर पे ऑलरेडी कर दिया, सिर्फ अभी ये पाइपलाइन डाल देंगे उसके बाद आई थिंक इट विल स्टार्ट ये मंथ के एंड तक या तो नेक्स्ट मंथ तक आई थिंक इट विल गेट स्टार्टेड। सो येस लेट्स स्टार्ट द डे एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो हम लोग का खाना खा के हो गया। आज मैंने ना हरा वटाना आता ना उसका ग्रेवी वाला भाजी बनाया एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लीनिंग सानू का सेक्शन। तो यहाँ पे पूरे बेड पे सानू के कपड़े ही कपड़े हैं और उसमें से हम लोग सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं क्या रखना है और क्या आउट करना है, क्योंकि सानू के पास भी अभी बहुत सारे कपड़े हो गए। हमेशा बोलती थी मम्मा तेरे पास इतने सारे कपड़े, अभी मैंने वही सानू को दिखाया, देख तेरे पास भी कितने सारे कपड़े, जस्ट बिकॉज वो छोटे छोटे इसलिए दिखाई नहीं देते थे, तो वो भी खुद हंस रही है देखो कि हाँ उसके पास इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए। तो अभी हम लोग जो छोटे हो गए, काफ़ी सारे टी शर्ट्स ना सानू के छोटे हो गए, टाइट हो गए, प्रिंट खराब हो गया, लूज हो गया, तो वो हम लोग जीन्स वगैरह सब साइड में कर रहे हैं और जो वो पहनने वाली है वो सब कपड़े हम लोग साइड में कर रहे हैं। और मैंने सानू के लिए 3 बास्केट्स निकाला है अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए, एक में उसके टी शर्ट्स जाएंगे, एक में उसका स्कूल का जाएगा और एक में उसका इनर वेयर जाएगा। तो ऐसा मैंने 3 सेक्शन सेग्रीगेट करके रखा है। फ्रॉक उसका सब मैं अलग से रखने वाली हूँ क्योंकि फ्रॉक तो ज़्यादा सानू पहनती नहीं है, तो कभी कोई ओकेजन वगैरह होगा, किसी के बर्थडे पे जाना होगा तो ही, तो उसको मैं थोड़ा नीचे रखूँगी। और यहाँ पे ऊपर ना सिर्फ सानू का जो डेली वेयर का कपड़ा होता है ना जो वो रोज़ पहनती है वो रखूँगी, क्योंकि सब मिक्स हो रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कितने सारे कपड़े और फिर सानू वही रिपीट रिपीट कपड़े ही पहने जा रही है। सो अभी हम लोग वो खुद अपना टी शर्ट्स लगा रही है, देखो मेरे कपड़े में, हाँ और क्या नॉटन की मेरे कपड़े मैं लगाऊंगी, मैं उसको बोली आज थोड़ा सा एग्रीगेट करके दे दे क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो खुद ही इधर बैठ गई कि मैं खुद से ही खुद का करूंगी। एनी वेज नो प्रॉब्लम। हाँ देते अभी क्या, अभी उसमें हो गया सब टी शर्ट गए, येलो तो कुर्ती है नानो, अरे वो नहीं वो, अच्छा ये येलो दे रहे हो